स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने व्हीकल के आरसी का एड्रेस किस तरीके से चेंज करा सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। अब ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस स्टेट का आपका व्हीकल है। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए, किस आरटीओ का आपका व्हीकल है। अगर आपको आरटीओ नहीं पता तो सिंपली व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए या ऐड करने के लिए, या फिर आप अपडेट आप या चेंज करना चाहते हो तो सिंपली मोबाइल नंबर अपडेट पे क्लिक करें। दूसरा तरीका ये है कि सर्विसेज पे क्लिक करके, एडिशनल सर्विसेज पे क्लिक करके अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करें, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे फुल चेसिस नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे फुल इंजन नंबर डाल दीजिए, और किस डेट का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे डालें, किस डेट में रजिस्ट्रेशन है फिटनेस एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालेंगे। सो डिटेल्स पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे ऑनर नाम दिख जाएगा, फादर नेम, एड्रेस वो सब दिख जाएगा। मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के सेव डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, यस पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से दिखा देगा, मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे वाहन सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कीजिए, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, किस स्टेट का आपका व्हीकल है। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ डाल दीजिए, अगर आपको आरटीओ नहीं पता तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेंज ऑफ एड्रेस का, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या सर्विसेज पे क्लिक करके, आरसी रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे चेसिस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट डालिएगा और वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे चेंज ऑफ एड्रेस का जो बॉक्स है, इस पे क्लिक कीजिए। पेज में नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, करंट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा, विलेज लैंडमार्क स्लैश पुलिस स्टेशन, लैंडमार्क आप यहाँ पे डाल सकते हो, नियर बाई जगह जो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, पुलिस स्टेशन भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, और अगर करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो करंट एड्रेस की डिटेल डाल के सेम एज करंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक सेम हो जाएगी, तो करंट और परमानेंट सेम हो जाएगा। और अगर करंट डिफरेंट है और परमानेंट दोनों अलग अलग एड्रेस है तो करंट की डिटेल्स यहाँ पे डाल दिए, परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। अब जो हमारा करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो करंट एड्रेस की डिटेल हमने यहाँ पे डाल दिए, और उसके बाद सेम एज करंट पे क्लिक किया है तो ऑटोमेटिक ये सेम हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे, इंश्योरेंस डिटेल आपको दिख जाएगी, तो हमारा जो इंश्योरेंस है वो वैलिड है। और अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो आप इशू करा लीजिए या री इशू करा लीजिएगा इंश्योरेंस। और अगर आपका वैलिड इंश्योरेंस है लेकिन यहाँ पे डिटेल अपडेट नहीं है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उस पर आप कॉल कीजिएगा और बोलिएगा कि सर जो वाहन का पोर्टल है, वाहन की साइट जो है उस पर इंश्योरेंस की डिटेल अपडेट नहीं है, तो वो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगी। उसके बाद नीचे इस पेज पे आइएगा और सेव टू ड्राफ्ट इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी कितना पेमेंट लग रहा है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपके केस में ये जो पेमेंट है कम या ज्यादा हो सकती है, और आरटीओ टू आरटीओ भी ये जो पेमेंट है वेरी कर सकती है, तो सेव टू ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। बाद इस तरीके से आ जाएगा, एप्लीकेशन ये सेव सक्सेसफुली इन ड्राफ्ट विद एप्लीकेशन नंबर ये चाहिए, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा पेमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपका दिखा देगा, तो ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए।
अब अगर आप इस एड्रेस में कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके करेक्शन आप कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो सिंपली कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, एसबीआई मल्टी बैंकिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एसबीआई ईपीएस सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये सिर्फ गेटवे या ट्रेजरी जो भी आपका बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अब कंफर्म पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोबारा कंफर्म के लिए आ जाएगा, क्लिक इस पे कर देंगे। अब कार्ड की डिटेल आप डाल दीजिए, कार्ड नंबर, किस मंथ ईयर में एक्सपायर हो रहा है, किन के नाम पे कार्ड है, सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डालिए, कैप्चा बटन यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। अब जो कार्ड से मोबाइल लिंक है उस पे ओटीपी चला गया, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें, और उसके बाद सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पर आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब फॉर्म 33 निकालने के लिए प्रिंट सीएमवी फॉर्म 33 इस पे क्लिक करके फॉर्म 33 निकाल लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा और साइन कर लीजिएगा। जो बॉटम पोर्शन है उसको चेसिस बोर्ड के ऊपर रखिएगा और तिरछी पेंसिल चलाइएगा तो वो उकर के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने, पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करें, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो आई एग्री का जो बॉक्स है इस पर क्लिक करें, तो बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ऑनर, फॉर्म 33, और ठीक है ये आप अपलोड कर लीजिएगा। तो इस पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा, तीनों डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो 200 KB या 200 KB से कम साइज के होने चाहिए, और जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इस पे क्लिक करके फॉर्म 33 अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, जो ऑनर है ऑनर की ये डिटेल ये डॉक्यूमेंट है ऑनर के अपलोड होंगे। और अगर आपका व्हीकल दूसरे स्टेट या दूसरे आरटीओ का है, अपने दूसरे आरटीओ या दूसरे स्टेट में आप प्रोसीड कर रहे हो इसको, तो एनओसी की भी आपको जरूरत होगी। और वहीं अगर आपका सेम आरटीओ का, सेम आरटीओ में ही एड्रेस प्रोसीड हो रहा है, सेम आरटीओ में ही एड्रेस चेंज हो रहा है, तो एनओसी अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको ये सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सेम आरटीओ में ही हमारा एड्रेस चेंज हो रहा है, तो 3 डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए। उसके बाद प्रोसीड फर्दर इस पे क्लिक करते हैं, बाद पेमेंट निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करें, ठीक से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के लिए फाइनल सबमिट पे क्लिक करें, जैसे ही फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरीके से दिखा देगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट कंफर्म मैसेज, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक अपॉइंटमेंट नाउ एंड विजिट आरटीओ ऑन शेड्यूल डेट। होम पे क्लिक कर दीजिए, अब अपॉइंटमेंट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको पेमेंट रिसिप्ट में दिख जाएगा, मैसेज आपके पास जो आया है एप्लीकेशन नंबर का वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, या अगर आपको नहीं मिल पा रहे तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, या स्टेटस पे क्लिक करके नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी नंबर डाल के, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद गेट यूजर डिटेल्स पे क्लिक करके प्रोसीड करके डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए कैलेंडर में, किस डेट का आपको अपॉइंटमेंट लेना है, उसके बाद बॉक्स पे क्लिक करके आप प्रोसीड करोगे कन्फर्म करोगे तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ भी, ये जो पेमेंट रिसिप्ट है इसमें भी ऑब्लिक से पहले भी आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, पेमेंट रिसिप्ट रिप्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी आप निकाल सकते हो, तो इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करके ऑनलाइन सर्विस सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या व्हीकल जो नंबर वो डाल दीजिए, गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के, 6 नंबर के लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पे डाल के, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के शो डिटेल्स पे क्लिक करोगे प्रिंट रिसिप्ट कर दीजिएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट पेंडिंग में है तो उनको भी आप अपलोड कर सकते हो।
और अगर आप डॉक्यूमेंट रीअपलोड करना चाहते हो या चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से मॉडिफाई अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट का हम आपको बता देते हैं। वैलिड व्हीकल RC, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 33, फॉर्म 33 की 4 या 5 कॉपी आप ले जाइएगा, पेमेंट रिसिप्ट, करंट या जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ वो लेके जाना है, 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4.5 x 3.5 सेंटीमीटर वाले, तो वो लेके जाइएगा। और ये जो है एड्रेस, फोटो और जो भी फॉर्म 33 पे साइन होंगे वो ऑनर के ही होंगे, और फोटो या करंट एड्रेस प्रूफ ये ऑनर का लेके जाना होगा, और ऑनर को ही जाना होगा RTO ऑफिस। उसके बाद एक चीज का और ध्यान आपको रखना है, काफी RTO, मैक्सिमम RTOs में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैंडेटरी कर दी है। आपके व्हीकल पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होनी चाहिए। अगर आपके व्हीकल पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो आप एक बार RTO में बात कर लीजिएगा कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट काम हो जाएगा या नहीं। अगर वो मना कर देते हैं कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वर्क नहीं होगा, काम नहीं होगा, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैंडेटरी है, तो पहले आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी और उसके बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपका कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उस केस में ये तो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने ही है, इसके साथ साथ टैक्स रिसिप्ट, फिटनेस परमिट और भी जो डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो भी आप लेके जाइएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो वो ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी। और जैसे ही RTO में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दो तो उसके बाद यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हो, नो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके, यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, कैप्चा वोट यहाँ पे डाल के, सबमिट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी जो व्हीकल की RC उसका क्या स्टेटस चल रहा है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाओ तो उनसे ये भी पूछ लीजिएगा, सर जो नई RC हमको RTO से ही मिलेगी अप्रूव हो जाने के बाद या बाई स्पीड पोस्ट आएगी। और अगर वो वहाँ से बोला जाता है कि 22 स्पीड पोस्ट आएगी तो यहाँ पे जैसे ही अप्रूव हो जाए तो कुछ यहाँ पे अगर स्टेटस दिखाने लगे का वेरिफिकेशन अप्रूव का कंप्लीट दिखा देगा तो उसके कुछ दिन बाद ही जो RC है वो आपके एड्रेस पे आ जाएगी। RC में टाइम लग सकता है, 1 वीक भी लग सकता है, 2 वीक भी लग सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा और घंटी दबा को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। व्हीकल रिलेटेड और भी वीडियोज आप देखना चाहते हो व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा, व्हीकल ट्रांसफर, व्हीकल HP टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट RC, व्हीकल RC पर्टिकुलर और भी व्हीकल रिलेटेड काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और लाइसेंस रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो लाइसेंस यहाँ पे डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी लाइसेंस रिलेटेड काफी वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा, सोशल साइट के लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोज हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।